नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं हरिराम कुमार आप सभी का तहे दिल से बहुत स्वागत करता हूं। लेक्चर 4 शुरू करने वाले हैं। लेक्चर 4 में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हम पढ़ रहे थे। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कौन कौन होता है। जो आपने शुरू में बात किया था ना कि लो टनल क्या होते हैं, सर नहीं समझ में आया। वॉकिंग टनल क्या होते हैं, ग्रीन हाउस क्या होता है, लाथ हाउस क्या होते हैं, हॉट बेड क्या होता है, कोल्ड फ्रेम क्या होते हैं, लो कॉस्ट ग्रीन हाउस क्या है, मीडियम कॉस्ट क्या है, हाई कॉस्ट क्या होते हैं, इन सब पे हम चर्चा करेंगे आज। लेकिन हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ये जो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है, जिसे कहीं कहीं एग्जाम में आ जाता है प्रोपगेशन स्ट्रक्चर, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अरे सर, प्रोपगेशन और प्रोटेक्टेड दोनों आए तो सेम लिख देना है आपको। अब इसकी नीड क्यों पड़े थे, इसकी नीड जब मैंने आपसे चर्चा किया था ग्रीन हाउस का, तो सेम ये स्ट्रक्चर है, क्यों नीड पड़ा था कि कहीं कोल्डनेस ज्यादा है, कहीं बर्फ पड़ रहे हैं, कहीं हेल पड़ रहे हैं। भाई जम्मू कश्मीर में चिल्ड कंडीशन आ रहे हैं, बिल्कुल चिलिंग रिक्वायरमेंट हो रहे हैं, डोरमेंसी में गए हुए हैं सारे फ्रूट्स, तो वहां पे जहां वर्षा ज्यादा हो रहे हैं वहां इसकी ज्यादा नीड पड़े, और इससे प्रश्न भी आपको आएंगे। तो मैं आपको आज दिखाने वाला हूं कि कितने तरह के हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के बारे में चर्चा करेंगे, इन पे हम डिटेल स्टडी करेंगे दोस्त, कि कौन कौन से प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, जरा आप देखते जाए इनमें से। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की अगर हम बात करें तो इनमें फर्स्ट जो पॉइंट आएगा, अगर इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या समझने वाला है, इंट्रोडक्शन में कि दिस इज ए पर्टिकुलरली हेल्पफुल इन कोल्ड एरिया। एक पॉइंट अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि ये किसके लिए हेल्पफुल है बताओ, तो ये उस एरिया के लिए हेल्पफुल ज्यादा है जो कैसा है बताओ, कोल्ड। तो कोल्ड एरिया के लिए क्या है, हेल्पफुल, फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर अपना। दूसरा, अगर हम सेकेंड पॉइंट की इस पे चर्चा करें तो कोल्ड एरिया के साथ साथ विथ हैवी स्नोफॉल, जहां ज्यादा स्नोफॉल होते हैं वहां के लिए भी ये क्या है, हेल्पफुल। दूसरा, चिल फैक्टर। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर कैन बी एडॉप्टेड फॉर ऑफ सीजन एंड थ्रू ईयर या राउंड द ईयर कल्टीवेशन के लिए बहुत सारे प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर की हम चर्चा करेंगे, और वो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर कौन कौन है जरा हम देखते हैं कि प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर कौन सा है। फर्स्ट हम चर्चा करें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कौन कौन हम पढ़ने वाले हैं, लो टनल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वॉक इन टनल के बारे में जिसमें हम आसानी से चल सकते हैं, नेट हाउस के बारे में हम बात करेंगे, सेड नेट हाउस के बारे में बात करेंगे, ग्रीन हाउस के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्त, उसके बाद मिस्ट चेंबर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, हॉट बेड के बारे में चर्चा करेंगे, कोल्ड फ्रेम के बारे में, लाथ हाउस के बारे में, और लो कॉस्ट ग्रीन हाउस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दीज स्ट्रक्चर वेरी वेरी इन देयर शेप, डिजाइन, हाइट एंड साइज, इसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, वेरी होते हैं। देखें आप, फर्स्ट पहला है लो टनल। फर्स्ट हम किसकी चर्चा, केवल जो जो प्रश्न पूछते हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो ये टॉपिक बहुत लेंदी हो जाएगा और आप भी बहुत ज्यादा पढ़ करके क्या करोगे। लो टनल देखो, ये है लो टनल, जिसकी अप्रोक्स जो हाइट रखते हैं ना इस टनल की, ये टनल जो बनाया गया इसकी हाइट सेंटर से देखा जाए तो ज्यादा नहीं होती है, 1 मीटर के आसपास होते हैं। तो इसकी हाइट कितनी होती है इस टनल की, 1 मीटर, आपको दिख भी रहा होगा इमेज में, 1 मीटर की हाइट होते हैं, और इस पे सारे पे कवर किया जाता है रो, यानी कि कवर रो ऑफ प्लांट इन द फील्ड, इसीलिए इसको रो कवर भी कहते हैं। दूसरा छोटा होता है तो इसे हम नाम क्या दिए, मिनिएचर ग्रीन हाउस। क्या दोगे, मिनिएचर ग्रीन हाउस। तो फर्स्ट पॉइंट मिनिएचर ग्रीन हाउस, दूसरा इसे कहा, क्या कहा जाता है, रो कवर, और इसकी हाइट कितना रखते हैं, सेंटर की हाइट कितनी है, 1 मीटर। कितनी हाइट है सेंटर की, 1 मीटर। तो 3 पॉइंट ये इंपॉर्टेंट हो गए, मिनिएचर ग्रीन हाउस इसे कहते हैं, रो कवर कहते हैं, और हाइट इसका HIGST, हाइट इसका कितना है, 1 मीटर। प्रोटेक्ट प्लांट अगेंस्ट फ्रॉस्ट, विंड, इंसेक्ट, पेस्ट, इससे क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं, इट इज ए टेम्पोररी,
ये परमानेंट प्रोटेक्शन मेथड नहीं है, ये कैसा है, टेम्पोररी है। तो आपको भी पता है टेम्पोररी है। दीज क्रॉप आर, इसमें कौन कौन से क्रॉप आप लगा सकते हैं, मेलॉन लगा सकते हो, कुकुम्बर लगा सकते हैं, टमाटर की बात कर सकते हो, स्ट्रॉबेरी आपको बताया, ब्लैक स्वीट बेल पेपर जो होते हैं, वीन, एक्सलेंट रिजल्ट अंडर दी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, किस कंडीशन में, चौथी पांचवी बार बता दिया हूं, कोल्ड डिजर्ट कंडीशन ऑफ लेह, जम्मू एंड कश्मीर में ये एक्सेलेंट रिजल्ट दे रहा है, और वहां पे इन सारे क्रॉप की इसमें क्या होते हैं, कल्टीवेशन होते हैं। तो जब आप बनाओगे लो टनल, तो लो टनल को एकदम छोटी छोटी पॉइंट में ऐसे लिख देना है। तो इसको क्या बोलते हैं, मिनिएचर ग्रीन हाउस कहते हैं, इसे रो कवर कहते हैं, इसमें हाइट कितना रखते हैं, 1 मीटर के आसपास। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, इस ये कैसा स्ट्रक्चर है, टेम्पोररी है, बस लो टनल में। और ये किसके लिए बेनिफिट्स है, तो कोल्ड डिजर्ट के लिए, ये क्या है, एकदम बढ़िया रिजल्ट देगा, किसके लिए, कोल्ड रिजल्ट। बस इतना पॉइंट आपको डिस्कस कर देना है। नेक्स्ट आते हैं अगला, इसका एडवांटेज क्या है, तो अर्ली क्रॉप ऑफ कुकरविट्स, कुकरविट्स की जो अर्ली क्रॉपिंग होते हैं उसके लिए हम इसको उपयोग किया जाता है, विंटर सीजन स्पेशली, दो दो बार आ गए, कोल्ड या विंटर सीजन में इसका उपयोग करेंगे। वॉक इन टनल, तो वॉकिंग टनल क्या होगा, वॉक का मतलब क्या होता है, टहलना, यानी ऐसा टनल जिसमें हम आसानी से क्या कर सकते हैं, टहल सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वॉक इन टनल। तो इसमें आप टहलो तो वॉक इन टनल कहलाएगा, ठीक है भाई, वॉक इन टनल। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये वॉक इन टनल की हाइट जो होंगे क्या होंगे, तो लो टनल से क्या होगा, इसमें ज्यादा होंगे हाइट, तो इसमें बोलेगा कि ये तो देखो सब में आएंगे, ऑफ सीजन वेजिटेबल, फ्लावर सीडलिंग, ऑप्टिमम। अब इसकी साइज बोला जाए कि कितने में लगाया जाता है, तो 60 से 75 स्क्वायर मीटर में लगाए जाते हैं, जिसमें इसके विर्थ जो होते हैं, जैसे इस टनल की विर्थ जो होंगे वो कितना होता है, 2 से 2.5 मीटर विर्थ होंगे, 30 मीटर इसकी लंबाई होते हैं, और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 2 से 2.5 मीटर सेंट्रल हाइट होता है। तो सेंट्रल हाइट और चौड़ाई तो सेम होते हैं, और लंबाई इसका कितना होता है, 30 मीटर। तो ये पॉइंट आपको इधर देखा, ये कितना है बताओ, तो ये लंबाई इसके कितने हैं, 30 मीटर। हाइट की अगर बात करें ये वाले, तो ये हाइट कितना होता है, 2 से 2.5 मीटर इसकी क्या होते हैं, हाइट होते हैं, और इसकी चौड़ाई भी ये वाले कितना है, तो ये भी 2 से कितना है, 2.5 मीटर। तो 2 से 2.5 मीटर, ये इसकी एक डायमेंशन की हमने चर्चा किया। द हाइट इनफ फॉर द वर्कर, किसके लिए, ताकि इसमें वर्कर क्या कर सके, वॉक कर सके, टहल सके, और या और जो फील्ड का ऑपरेशन होगा वो आसानी से इसमें कर सके, जो कुछ भी ऑपरेशन आपको करना है, कुछ वीड निकालना हो जाए, मान ले जाए हार्वेस्टिंग करना हो, तो आप आसानी से इसमें क्या कर सकते हो, घूम फिर। लो कॉस्ट सेमी परमानेंट, ये क्या होते हैं, कॉस्ट तो कम होगा पर ये कैसा है, परमानेंट है, नहीं सेमी परमानेंट। लो टनल कैसा था, तो टेम्पररी था, और ये कैसा है, तो ये है सेमी परमानेंट, परमानेंट नहीं है, सेमी परमानेंट। तो तीन चार पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है, इसका डायमेंशन से क्वेश्चन पूछ लेंगे, आसानी से इसमें लेबर घूम फिर सकते हैं ये, और ये भी कैसा है, लो कॉस्ट का उदाहरण है, ज्यादा खर्च लगते नहीं, लो टनल भी लो कॉस्ट का है, और वॉकिंग टनल भी किसका है, लो कॉस्ट का है, लेकिन सेमी परमानेंट है, कैसा है ये, सेमी परमानेंट। और मेनली इसमें यूज किया जाता है किसका, कुकरविट्स, क्या यूज करते हैं इसमें, कल्टीवेशन किसका करते हैं, कुकरविट्स का इसमें क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, ये पॉइंट आपने लिख लिया होगा, चले आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेट हाउस की। नेट हाउस में मेनली हम दो हाउस की बात करेंगे, एक को कहते हैं इंसेक्ट नेट हाउस, इंसेक्ट नेट हाउस, और दूसरा होगा सेड नेट हाउस, सेड नेट हाउस। तो ये दो हाउस की बात करेंगे, एक को इंसेक्ट नेट हाउस और दूसरा सेड नेट हाउस। तो ये जो इमेज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये किसका है, इंसेक्ट नेट हाउस, तो ये है इंसेक्ट नेट हाउस, और ये जो इमेज है ये है सेड नेट हाउस।
दोनों में क्या ज्यादा डिफरेंस है? ये इंसेक्ट को क्या करेगा? बिल्कुल प्रोटेक्ट करेगा, नेट हाउस। डिपेंडिंग ऑन द क्लेडिंग, क्लेडिंग का मतलब, क्लेडिंग मटेरियल का मतलब, जो ग्रीन हाउस को कवर कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं कवरिंग मटेरियल। यानी कवरिंग मटेरियल हो सकता है क्या? प्लास्टिक हो सकते हैं कवरिंग मटेरियल, हो सकता है पॉलीथीन हो सकता है कवरिंग मटेरियल, हो सकता है ग्लास हो सकते हैं कवरिंग मटेरियल। तो कुछ भी, ये कवरिंग मटेरियल जो होते हैं इसे हम कहते हैं क्लेडिंग मटेरियल या कवरिंग मटेरियल, आप कह सकते हो इसको इजीली। तो इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस पढ़ेंगे और दूसरा सैड नेट हाउस। कौन कौन पढ़ेंगे? इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस और दूसरा सैड नेट हाउस। इंसेक्ट नेट प्रूफ हाउस यूज्ड फॉर किसके लिए? मेनली ये इंसेक्ट वायरस फ्री क्रॉप, क्योंकि अगर इंसेक्ट नहीं जाएगा तो वायरस का वहां ट्रांस लोकेशन नहीं होगा भाई, वायरस भी वहां नहीं पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वायरस को ले जाने का काम कौन करेगा? एज ए वेक्टर इंसेक्ट करेगा। तो ये वायरस फ्री क्रॉप प्रोडक्शन होंगे। टोमेटो एंड स्वीट पेपर मेनली इस हाउस में लगाए जाते हैं, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस। उसमें कैसा प्लांट अपन कल्टीवेट करेंगे? वायरस फ्री। कैसा होगा? यूज्ड फॉर वायरस फ्री क्रॉप प्रोडक्शन, और मेनली ये टोमेटो एंड स्वीट पेपर के लिए कल्टीवेशन में उपयोग किया जाता है। लिख लिए पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस जो है डिफरेंट डिजाइन के होते हैं। अब इसमें आता है, इट कवर्स विथ इंसेक्ट प्रूफ नेट कितना? 40 से 50 मेस। अब हमें समझना है कि ये मेस क्या होता है। गुरुजी, मेस तो आपने समझाया नहीं, पहले हम समझते हैं मेस नंबर क्या होता है। तो 1 इंच, 1 इंच स्केल से मान लिया जाए, इस 1 इंच में जितने छिद्र होते हैं, जाली में जितने छिद्र होते हैं, इसकी संख्या ही कहलाता है मेस नंबर। क्या कहलाता है? मेस नंबर। क्या है मेस नंबर? तो काउंट द नंबर ऑफ ओपनिंग इन वन लाइनर इंच ऑफ स्क्रीन। मान लिया जाए 1 इंच में केवल 2 पोर आ जाए या 3 आ जाए, तो हम इसको बोलेंगे 3 मेस। अब यहां पे कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने मेस कहलाएगा? 6 मेस कहलाएगा। सेम इसी तरह से 1 इंच में इस तरह से 40 पोर आ जाए, तो ये क्या कहलाएगा? 40 मेस। क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? 40 मेस। तो आपको समझ में आ रहा है, मेस तो समझ में आ रहा है, ठीक है। द मिनिमम साइज ऑफ इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस इज, मिनिमम साइज इस हाउस का कितना होना चाहिए? 100 स्क्वायर मीटर। कितना होना चाहिए? 100 स्क्वायर मीटर। इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस की मिनिमम साइज कितनी होनी चाहिए? 100। और इसमें जो कवरिंग मटेरियल उपयोग करेंगे वो कितने मेस का होना चाहिए? 40 से 50 मेस का। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिला। अब हम समझते हैं ये इस मेस को। तो देखो, इससे हमने समझाया, एक स्केल लिया 1 इंच का, तो इसमें 1 और 2 ओपनिंग दिख रहे हैं, तो इसीलिए इसका मेस कितना कहोगे? 2 मेस। अब यहां देखो, ये स्केल है 1 इंच, इतनी लंबाई है, तो 1 इंच में केवल 2 आए, 2 ओपनिंग है, तो 2 मेस। अब मान लिया जाए यहां 4 ओपनिंग है, 1 2 3 4, तो इसीलिए इसे हम कहेंगे 4 मेस। क्या बोलोगे? 4 मेस। अब इसमें देखो, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 लाइन में 1 इंच पे कितने पोर? 10 पोर, तो इसीलिए इसका क्या है साइज? 10 मेस साइज कहेंगे इसको। क्या बोलोगे? 10 मेस। तो ये आपको स्केल की सहायता से मैंने मेस आपको समझाया, जो बच्चों में कंफ्यूजन भी होते हैं, सर मेस क्या होता है। अब द परमानेंट स्ट्रक्चर कैन बी फैब्रिकेटेड इन 2 डिजाइन। जो इंसेक्ट नेट हाउस है इसको डिजाइन के अनुसार से 2 डिजाइन में हमने डिवाइड कर दिया। परमानेंट स्ट्रक्चर कौन कौन? या तो या इसके ऊपर का भाग कैसा हो? फ्लैट हो। ये डिजाइन देखो कैसा है? फ्लैट। यानी रूफ, इसकी छत कैसी हो? फ्लैट हो। छत भाई, रूफ कैसा है इसका? फ्लैट हो। एक तो ये आ गया डिजाइन, और दूसरा डिजाइन जो देखते होंगे इस टाइप के डिजाइन,
तो ये जो डिजाइन है ना, ये इंडिया में ज्यादा पॉपुलर है। कौन सा डिजाइन? ये जो सेकेंड वाले डिजाइन देख रहे हो, ये भारत में क्या है, मोर पॉपुलर, और इसे हम कहते हैं डोम। क्या बोलते हो इसको? ऐसे शेप को हम बोलते हैं डोम शेप। तो डोम शेप वाला ज्यादा पॉपुलर। अब देखो, इसकी हाइट तो जरूर इससे, इसकी क्या होगी, ज्यादा। तो इसकी हाइट होती है 4.5 से 5 मीटर, और इसकी हाइट होती है 1 मीटर कम, 3.5 से लेकर 4 मीटर, 3.5 से 4 मीटर, और इसका 4.5 से 5 मीटर। तो किसकी हाइट ज्यादा है? डोम वाले शेप की हाइट क्या है, ज्यादा होते हैं, और ये पॉपुलर है इंडिया में, मोर पॉपुलर है। ये दोनों किसका स्ट्रक्चर बताया हूं? इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस का। इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस को ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन दो कैटेगराइज में किया गया, दो कैटेगरी में बांटा गया। कौन कौन? एक तो फ्लैट रूफ है जिसके ऊपर की सतह फ्लैट, और दूसरा है डोम शेप। जो पॉपुलर कौन है? डोम शेप, ठीक है। अब हम तीसरा बात करते हैं जिसका नाम है शेड नेट हाउस। अब इसमें क्या है, ये उस क्रॉप के लिए उपयोग किया जाएगा जो किसको प्यार करता है, छाए को प्यार करते हैं। सेड का मतलब होता है छाया प्रिय। पादप के लिए क्या किया जाएगा, इसका उपयोग किया जाएगा, यानी सेड लविंग प्लांट के लिए ये हाउस बनाया जाता है। तो ऐसे प्लांट होते हैं जिनको प्रकाश क्या चाहिए, कम चाहिए, लाइट क्या चाहिए, कम चाहिए, लाइट कम चाहिए, लाइट लो लाइट चाहिए, उनके लिए ये हाउस बनाया जाता है, उनके कल्टीवेशन के लिए। इसे कहते हैं सेड नेट हाउस। प्रोटेक्टेड प्लांट हाईली इंटेंस, ये इंटेंस यानी इंटेंसिटी किसके, सोलर रेडिएशन को से क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। और यूज फॉर हार्डनिंग ऑफ फ्रूट, यानी हार्डनिंग क्या होते हैं उसको, एडोप्टेशन में क्या करेगा, सहायता। हार्डनिंग का मतलब होता है ना, धीरे धीरे किसी नए वातावरण में उसको ढालना, इसको क्या बोलते हैं, हार्डनिंग। हार्डनिंग का मतलब कठोर बनाना, बच्चा को कठोर बनाना। तो ये होते हैं ना, ट्रेनिंग करते हैं तो इसको कहते हैं हार्डनिंग। कोई सिडलिंग है उसको डायरेक्ट जाके मेन फील्ड में डाल दोगे तो बेचारा मर जाएगा, तो इसे हार्डनिंग, धीरे धीरे। प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड इंसेक्ट, यूज फॉर सैड लविंग प्लांट, तो ये इंपॉर्टेंट है, छाया प्रिय पादप के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये फोर्थ नंबर हम हाउस कंप्लीट किए। अब हम आते हैं फिफ्थ नंबर, ग्रीन हाउस। एक्चुअल में ग्रीन हाउस होता क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रीन हाउस जो होते हैं, सूर्य से आने वाले किरण, सूर्य से जो किरण आते हैं, इसकी तरंग दैर्ध्य अभी क्या है, कम है, लो तरंग दैर्ध्य। देखो, तरंग दैर्ध्य क्या है, कम, जिसे हम बोल सकते हैं लेमडा का मान क्या है, कम, वेवलेंथ कम है। अब वेवलेंथ अगर इसमें कम है तो इसका मतलब इसमें एनर्जी का मान क्या है, ज्यादा है। वेवलेंथ कम है तो इसका एनर्जी ज्यादा है। जब ये पृथ्वी की सतह पे टकराते हैं या किसी भी वस्तु से टकराएगा, तो टकराने के बाद इसकी एनर्जी लॉस हो जाते हैं। तुम भी किसी से टकराओगे तो आपके एनर्जी जो ऊर्जा है वो क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। जब एनर्जी में कमी होगी, जब एनर्जी में कमी होगा मेरे दोस्त, तो इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसकी वेवलेंथ क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। लेमडा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेमडा अगर बढ़ गया तो आपको पता है अपनी वातावरण में चारों तरफ प्रदूषण के कारण क्या फैला हुआ है, CO2 CO2 CO2। अब ये पृथ्वी बना दिया, अब यहां से ये किरण अगर वापस जाना चाहेगा तो इसको वापस जाने नहीं देगा। कौन नहीं देगा, CO2। CO2 इसमें क्या कर लेगा, अवशोषित, जिसके कारण ये सारे जो गर्म वेव है वो हमारे वायुमंडल के ही इर्द गिर्द रहते हैं। अब बाहर नहीं गया, वापस आ तो रहे हैं, लेकिन इसको सबको एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, CO2, जिससे पृथ्वी पे इस एरिया में रहने वाले धीरे धीरे, जब ये गर्म जो
रेडिएशन आया वापस नहीं जाएगा, तो ये पूरी क्षेत्र धीरे धीरे समय के साथ 20 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल के बाद धीरे धीरे इस क्षेत्र में तापमान क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो ये बढ़ेगा तो पूरा विश्व क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलोगे इसको, ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन हम पॉइंट समझते हैं कहाँ, इस ग्रीन हाउस में। अगर यहां पे किरण आया और ये देखो टकराने के बाद बड़ी वेवलेंथ कुछ तो निकल गए, लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन थ्रू ग्लास, ग्लास से क्या चला गया बाहर। लेकिन जब इसमें हम दूसरे मटेरियल यूज कर देंगे तो जो वेवलेंथ आया वो वापस अगर नहीं गया, ये नहीं जाए या कम गया, कम जाए, तो इसके अंदर टेम्परेचर क्या होंगे मेरे दोस्त, इंक्रीज। टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज। तो यानी ठंडे प्रदेश में जो इस यहाँ जो क्रॉप है उसको तापमान ज्यादा चाहिए, तो हम ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जो आने वाले किरण को यहाँ रोक दे, और रोक दे तो यहाँ तापमान क्या हो जाएगा, ज्यादा। यानी ठंड में मिल रहा है इसको क्या, गर्मी। तो ये बन गया इस क्रॉप के लिए क्या, ऑप्टिमम क्लाइमेट। कैसा बन गया, ऑप्टिमम क्लाइमेट, जिससे ये प्रोडक्शन क्या करेगा, ज्यादा। तो आपको समझ में आ गया होगा ग्रीन हाउस। चले, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रीन हाउस होते हैं, बहुत टाइप के ग्रीन हाउस है, जैसे लेन टू टाइप का है, रिज एंड फॉरो टाइप का है, इवेन स्पान है, ये है, आपको पढ़ना है, गोथिक आर्क है, आर्क इसे बोलते हैं, अन इवेन स्पान है, इसे पाइप मेटल फ्रेम है, वुडन फ्रेम है, प्लास्टिक है, पीवीसी है, ग्लास मटेरियल है। तो बहुत सारे ग्रीन हाउस आपको देखने को मिला, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रीन हाउस। लेकिन अब हम समझते हैं कि ग्रीन हाउस इट इज ए फ्रेम या कवर स्ट्रक्चर विथ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब बोलते हैं पारदर्शी, एंड ट्रांसकुलेंट मटेरियल जो अपने हीट को आसानी से क्या कर दे, पार होने दे, विच परमिट सनलाइट, यानी ऑप्टिमम सनलाइट को परमिट करे, किसके लिए, फॉर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। हैज प्रोविजन फॉर ए लिस्ट पार्शियल कंट्रोल प्लांट इन्वायरमेंट, ये कैसा है, फुल्ली कंट्रोल तो नहीं कर पाएंगे, ये कैसा कर रहा है, पार्शियल कंट्रोल। ये पार्ट ऑफ द सोलर एनर्जी इज कंटिन्यूअसली रिटेन्ड इन द ग्रीन हाउस लीडिंग टू टेम्परेचर इंक्रीज। इस तरह से क्या होगा, इसके अंदर टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होंगे। अभी आपको मैंने बताया इसके अंदर अब टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा कब, ये आपको ज्यादा फायदा देगा, ड्यूरिंग विंटर। विंटर में आपको जहां लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में सर्दियों में, सर्द में यहां टेम्परेचर क्या होंगे, ज्यादा, तो ये हीट की आवश्यकता नहीं होंगे। और ड्यूरिंग समर गर्मी में क्या होता है, ये इसको ठंड बना देगा। विंटर में तो कैसा बना दिया, टेम्परेचर को बढ़ा देगा, लेकिन समर में क्या करेगा, ये टेम्परेचर को कम करके, यानी बाय इवोपलेशन मेथड द्वारा, इवेपोट्रांसपिरेशन मेथड द्वारा क्या करेगा, इस क्लाइमेट यहाँ जो इन्वायरमेंट है उसको ठंडा कर देगा। तो ये यहाँ कोल्ड, तो ये दोनों केस इसमें पाए जाते हैं। तो ग्रीन हाउस आपको पता लग गया, इसका एडवांटेज क्या है, तो जो पहले पढ़ चुका, ऑफसीजन कल्टीवेशन, राउंड द ईयर क्रॉप कल्टीवेशन पॉसिबल इन हर इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट आपको किस कैसा भी हो फिर भी आप क्रॉप का कल्टीवेशन कर सकते हो, यूज फॉर ग्रोइंग फ्लावर प्लांटेशन स्ट्रॉबेरी, इन सब के लिए क्वालिटी प्रोडक्शन आपके होंगे, इंसेक्ट पेस्ट वीड मैनेजमेंट इसमें इजियर कर सकते हो, सब में एक ही पॉइंट है, आपको क्या बताऊं, इजियर कर सकते हो। ग्रीन हाउस कैन बी प्रोवाइड सब इनकम, यानी क्या है ये, सस्टेनेबल इनकम, या कह सकते हो लगातार इनकम आपको क्या कर सकता है, दे सकता है। हैविंग अ स्मॉल लैंड होल्डिंग, अगर कम भी जमीन है फिर भी आपको ये लगातार सस्टेनेशियल इनकम आपको दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला मिस्ट चैम्बर। क्या होता है मिस्ट का मतलब ही क्या होता है, मिस्ट का मतलब होता है
कोहरा टाइप का, गांव में बोलते हैं ना मिस्ट का मतलब क्या होता है, कोहरा टाइप का, एकदम देखो धुंध के जैसा, यानी कि सब मिला के कहने का मतलब है कि जो बूंद बूंद वाटर ड्रॉपलेट्स का मतलब प्लांट पे गिरे, इससे अच्छा है कि वहां ह्यूमिडिटी को क्या किया जाए, मेंटेन किया जाए, टू क्रिएट हाई ह्यूमिडिटी एंड ड्रॉपलेट फ्री प्रेजेंस ऑफ वाटर फॉर प्रोपेगेटिंग डेलिकेट लाइक सॉफ्ट वुड कटिंग, यानी ये कहाँ उपयोग होता है कि जहां आपको क्या है थोड़ा ह्यूमिडिटी को क्या करना है ज्यादा, टू क्रिएट हाई ह्यूमिडिटी। हाई ह्यूमिडिटी किसके लिए, सॉफ्ट वुड कटिंग, यानी कि आपको प्रोपेगेटिंग मटेरियल यानी कटिंग में इसका क्या करते हैं उपयोग, वेजिटेबल क्रॉप में, रूट प्लांट में, श्रब्स में, कटिंग आर द मिस्टेड इंटरमिटेंटली इन प्लेस ऑफ कंटिन्यूअस वाटर एप्लीकेशन या ड्रेंचिंग। तो ये जो बार बार आप जो करोगे, वाटर दोगे उसको, ये कटिंग जो मटेरियल है, ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पे लगाए हुए हैं नर्सरी, उसमें हमें बार बार पानी देने से अच्छा क्या है, ये मिस्ट लगा देंगे। और मिस्ट चैम्बर से क्या होगा, इससे छोटी छोटी फुहारे टाइप का अपना निकलते रहेगा और वहाँ का ह्यूमिडिटी क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो ये बार केवल इतना समझना है, ये मिस्ट चेम्बर ऑफ 15 से 20 स्क्वायर मीटर सफिशियंट होते हैं किसी भी नर्सरी के लिए। 15 से 20 मीटर स्क्वायर क्या होते हैं, सफिशियंट होते हैं। ये तो विदेशों का है जहाँ क्या होते हैं मिस्ट चेम्बर बड़ा बनाया जाता है ब्रॉड लेवल पे। आइडियल टेक्निक फॉर रूटिंग ऑफ लीफ कटिंग, यानी यह एक टेक्निक है फॉर किसके, रूटिंग, रूटिंग का मतलब जड़ ऑफ किस में, लीफ कटिंग, लीफ जो कटिंग होते हैं उसमें भी क्या करता है, रूटिंग प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये आइडियल टेक्निक है, यानी नर्सरी में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और मेनली ये क्या है, रूटिंग लाने के लिए सहायता करते हैं, क्योंकि रूटिंग लाने के लिए आपको नमी क्या चाहिए वहां पे, ज्यादा, और नमी को ये क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखेगा, ह्यूमिडिटी को मेंटेन करके रखते हैं। एडवांटेज क्या है, टू एवॉइड दी डेसिकेशन, मतलब सूखने से रोकेगा, ड्राइंग आउट ऑफ द प्लांट मटेरियल, प्लांट मटेरियल को सूखने नहीं देगा। मिस्ट चेम्बर रिड्यूस द रेट ऑफ मॉइस्चर लॉस फ्रॉम द प्लांट, मॉइस्चर लॉस को रोक देगा। हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ रूट कटिंग, एक इंपॉर्टेंट है, रूट कटिंग के सर्वाइवल में ये क्या करेगा, सहायता करते हैं। एंड हार्डनिंग ऑफ टिश्यू कल्चर प्लांट, हार्डनिंग का मतलब धीरे धीरे किसी बच्चे को, छोटा बच्चा को पहले नर्सरी में भेजते हैं, प्ले स्कूल में, प्ले स्कूल में खेलेगा कूदेगा, फिर उस बच्चे को आगे भेजते हैं, फिर फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, तो इसको बोलते हैं हार्डनिंग। ऐसा नहीं कि एक ही बार थर्ड क्लास में आप भेज दो तो वो हार्डनिंग नहीं हुआ, तो ये होते हैं हार्डनिंग, ठीक है। हॉट बेड क्या होता है, सेम ये सब कंडीशन सेम है आपको। हॉट बेड का मतलब देखो, यह एक ऐसा बक्सा टाइप का बनाया दिया जाता है जिसमें यूज फॉर ग्रोइंग स्मॉल टेंडर सीडलिंग, छोटे छोटे जो सीडलिंग होते हैं ना उसको ग्रो किया जाता है। और ये भी है रूटिंग ऑफ कटिंग, यानी कटिंग जो करते हैं उसमें क्या डेवलप होगा, रूट डेवलप होंगे। नेक्स्ट कोल्ड फ्रेम क्या होता है, इट इज ए स्मॉल एंड मोबाइल लाइक ग्लास स्ट्रक्चर। ये देखो एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ग्लास स्ट्रक्चर है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कोल्ड फ्रेम का मतलब ये ग्लास स्ट्रक्चर है और यूज होते हैं कवर द ग्राउंड, वाइडली यूज फॉर हार्डनिंग ऑफ रूटिंग कटिंग, यानी कि रूट जो कटिंग करते हैं इन सब में कोल्ड फ्रेम हो गया, हॉट बेड हो गया, मिस्ट चेम्बर हो गया, ये सारे यूज होते हैं रूटेड कटिंग में। कहाँ यूज करते हैं इसको, रूटेड कटिंग में। लाथ हाउस क्या होता है, तो लाथ हाउस जो है इट प्रोवाइड सेड टू यंग टेंडर सेटलिंग, यानी कि जो जवान टेंडर सेटलिंग है, अभी जो सेटलिंग का मतलब ये भी नर्सरी से है, या रूटेड कटिंग जो है जिसको कटिंग किए हैं, रूट कटिंग किए हो, हाईली यूज फॉर हार्डनिंग ऑफ सीडलिंग। तो ये जो तीनों आपको लास्ट में जो पढ़ाया हूँ ये सब किससे संबंधित है, नर्सरी से। ऐसे जितने भी स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया हूँ ये, या तो प्रोपगेटिंग स्ट्रक्चर में भी आप इसकी चर्चा आप कर सकते हो, या प्रोटेक्टेड जो स्ट्रक्चर होते हैं उनमें भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। लो कॉस्ट पोली हाउस और हाई कॉस्ट जो पोली हाउस है इसके बारे में हम डिटेल एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा, कि क्लासिफिकेशन जो पोली हाउस को कर रहे हैं वो कितने तरह के, उसमें हम चर्चा करेंगे कि हाई कॉस्ट जो पोली हाउस होते हैं, लो कॉस्ट जो पोली हाउस होता है उसका डिजाइन क्या बनाएंगे, सिंपल बनाएंगे। जो हाई कॉस्ट होंगे उसमें क्या करोगे, कूलर रखेंगे,
उसके बाद एग्जॉस्ट सिस्टम रहेगा, एयर कंडीशनर रहेंगे, तो यानी कि मेंटेन करने के लिए जैसे घर में एसी लगाते हैं तो वो हाई कॉस्ट हो गया, सेम इसी तरह से इसमें अपन चर्चा करेंगे। हाई कॉस्ट में फर्टिगेशन टेक्निक लगाएंगे, मिस्ट ड्रिप सिस्टम लगा रहेगा, तो ये किस में आएगा? हाई कॉस्ट में। और 5 से 6 गुना पता है आपको, मैंने लिख दिया, ज्यादा एल्ड होंगे किस में? ग्रीन हाउस में, क्योंकि इतना आप उसको दोगे तो भाई प्रोडक्शन भी तो आपको बढ़ा करके देगा ये। तो ये आपके लो कॉस्ट का कुछ उदाहरण मैं दिखा रहा हूँ आप में, जिसमें सिंपल पहले गाँव में लगाते थे, जिसकी खर्च कम आते हैं। तो पूरा हम इस पर चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम पढ़ेंगे इसके क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रीन हाउस, तब हम इसके बारे में। और यहाँ देखो ये इस तरह से एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं, अंदर थोड़ी सी भी गर्मी ज्यादा होगा तो इसको बाहर निकालने का काम होते हैं। जितने अच्छे से आप नहीं रहते हो ना, उससे बेहतर इसका बनावट होता है। इसमें क्या खर्च लगेंगे पर मीटर स्क्वायर, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो लो कॉस्ट और हाई कॉस्ट का भी एक छोटा सा डायग्राम दिखाया, अगले क्लास में आपको इसके बारे में हम फुल जानकारी देने वाले हैं। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना नोट शॉर्ट शॉर्ट में बनाते जाएं, जो ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं वो शॉर्ट में, जो कॉलेज वॉलेज में तैयारी कर रहा है वो मस्त से इसको लिख के आ जाना देख करके वीडियो, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में मिले आपके साथ। की और है इसमें कुछ स्लाइड? ये तो फिल इन दी ब्लैंक्स है, इसकी घबराना नहीं है। आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस मैं ग्रीन हाउस का 200 क्वेश्चन का एक पीडीएफ भेज दूंगा, और अपने एप्लीकेशन पे ही डालेंगे, उस पे आप करना। ये तो एनसीईआरटी में जान के देता हूँ, क्योंकि आप जानते हो एक आईएएस भी, एक आईएफएस की जो तैयारी करता है वो भी एनसीईआरटी का पढ़ते हैं। आपको पता होगा कि साउथ इंडिया में ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो 11वीं 12वीं में लड़के पढ़ लेते हैं, वहाँ इतना एडवांस पढ़ाई होता है। और हमारे नॉर्थ इंडिया की बात करें तो एक एमएससी का लड़का भी नहीं लिख पाएगा कि मिस्ट चैम्बर क्या होते हैं, लाथ हाउस क्या होता है। तो ये डिफरेंस होते हैं। तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो डायरेक्ट आते हैं किसी भी पीसीएस के एग्जाम में, डायरेक्ट मैं देखता हूँ। इसलिए हर बंदा जितना भी होगा एनसीईआरटी पे फोकस करने बोलोगे कि एनसीईआरटी आप अवश्य पढ़ें। और मैं भी ज्यादातर कोशिश अब कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ कि आप जो बड़े एग्जाम देते हो ना, तो क्या हम इतनी गहराई पढ़ लेते हैं और जो बेसिक चीजें होते हैं उसको छोड़ देते हैं। इसलिए मैंने हर पॉइंट अब इसका कवर करने के शुरू किया हूँ, चाहे अब मैं स्टैट की क्लास लगाऊंगा, इकोनॉमिक्स की क्लास लगाऊंगा। अब इसमें बच्चा कोई ऐसा नहीं कि हिंदी मांग लेना, भाई हिंदी इसके मैं लाऊं कहाँ? हिंदी उन्दी होते नहीं, लंबाई इतनी होती है, चौड़ाई इतने होते हैं, कोल्ड में ये लगाते हैं, डिजर्ट में इसकी खर्च ये बैठते हैं। आप जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी में बोल रहा हूँ, आप इसका नोट्स बना लिया करो, ठीक है? मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे?